दोस्तों आपको आइडिया तक नहीं होगा कि आपके प्ले स्टोर में कुछ सेटिंग जो कि गड़बड़ है उसकी वजह से आपके फ़ोन के बैटरी बैकअप पे फ़र्क पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपके फ़ोन के बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो प्ले स्टोर के कुछ सेटिंग की वजह से। तो आज आपको मैंने बताया है प्ले स्टोर के कुछ सेटिंग को, जैसे कि आप बंद कर देंगे, उसे बदल देंगे तो आपके फ़ोन के बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा चलेगा और जैसा नया में चलता था उस टाइप से चलेगा। सो ओके, आपके पास कोई भी मोबाइल है, चाहे रियलमी, ओप्पो, वीवो या सैमसंग, ये सभी में काम कर जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और कमेंट में लिख देना है बैटरी बैकअप ट्रिक, ये बैटरी बैकअप ट्रिक लिख देना है। और बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले प्ले स्टोर जो है आपके फ़ोन में, उसे ओपन करना है। सो प्ले स्टोर ये है, प्ले स्टोर मैंने ओपन किया और यहाँ पे सेटिंग करना है जो कि आपको बंद करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे देखेंगे सेटिंग आपको मिलेगा। सो सेटिंग में नेविगेट करके जाना है और ये सेटिंग आपके फ़ोन के बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है। मैंने टेस्ट किया, मैंने देखा था। यहाँ पे आपको मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस और जनरल भी मिलेगा। आपको नेटवर्क प्रेफरेंस पे आपको जाना है और आस्क डाउनलोड प्रेफरेंस यहाँ पे रहेगा, आस्क एवरी टाइम कर दीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। खैर, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग हमारा अगला सेटिंग है, इसको ओके कर दीजिएगा। अगला सेटिंग है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो, ऑटो अपडेट ऐप। एक्चुअली ये ऐप सबसे इम्पॉर्टेंट, ये फीचर जो है ना जिसको कि आपको बदलना है, वो ये ज़रूरी है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आ गया डोंट ऑटो अपडेट ऐप और अपडेट वाईफाई ओनली, और ऊपर में देखेंगे अपडेट ऑल ऐप ओवर वाईफाई और मोबाइल डाटा। सो हमें ये कर देना है डोंट ऑटो अपडेट। ये जब आप कर देते हैं तो यहाँ पे कोई भी मोबाइल के अंदर जो ऐप है ना, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं लेगा। और इससे आपको फ़ायदा होगा कि डाटा तो बचेगा ही आपके मोबाइल के अंदर, कोई भी ऐप अपडेट लेता है ना, मोबाइल का डाटा ख़त्म होता है। आपको भी पता होगा, कभी कभी आपने ये भी देखा होगा प्रॉब्लम कि आपके मोबाइल का डाटा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, तो ये कारण भी होता है। और अब यहाँ पे बैटरी भी आपका खर्च नहीं होगा और मोबाइल फास्ट भी चलेगा। ओके, ये सेटिंग करने के बाद हम बढ़ेंगे अगले सेटिंग की ओर जो कि आपको बंद करना है, और वो है ऑटो प्ले वीडियो। ऑटो प्ले वीडियो पे जाने के बाद ये देखिए डोंट ऑटो प्ले वीडियो आपको मिलता है, आपको ये वाला कर देना है। ये कर देंगे ना तो आपके फ़ोन के अंदर जो ऐड समटाइम आता है, गंदे गंदे ऐड आने लगते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इससे आपके मोबाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा और बैटरी बैकअप तो देगा ही, साथ में परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जो देख रहे थे, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। कमेंट में लिख देना है आपको बेस्ट बैटरी सेविंग ट्रिक, बेस्ट बैटरी सेविंग ट्रिक, ये आपको लिख देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।